पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर 25,000 के इनामी बदमाश को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है, जिसके कब्जे से एक देशी तमंचा, 4 जिंदा कारतूस व एक खोखा बरामद किया गया। घटना का खुलासा पुलिस अधीक्षक किरीट राठौड़ ने किया। बुधवार को पुलिस कार्यालय में घटना का खुलासा करते हुए पुलिस अधीक्षक राठौड़ किरीट कुमार ने बताया कि पकड़ा गया बदमाश हरवीर कठेरिया पुत्र पूरन कठेरिया निवासी शेरपुर मडैया मजरा धर्मनेर पद्मनेर थाना बेवर जनपद मैनपुरी काफी शातिर किस्म का बदमाश है, जिस पर पूर्व में की गई लूटपाट के कई मुकदमे दर्ज हैं। मंगलवार रात्रि सौरिंग थानाध्यक्ष पुलिस बल के साथ गश्त पर थे, तभी सूचना मिली कि आरिफपुर पुलिया के निकट कांकरपुर रोड पर एक व्यक्ति काफी देर से बैठा है, जो या तो किसी का इंतजार कर रहा है या किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में है। थानाध्यक्ष ने बल के साथ उपरोक्त बताए गए स्थान को घेर लिया। पुलिस द्वारा टोके जाने पर उपरोक्त ने पुलिस पार्टी पर तमंचे से सीधा फायर कर दिया। अपना बचाव करते हुए पुलिस ने भी जवाबी राउंड फायर किए, जिसके बाद पुलिस ने घेराबंदी करते हुए उसको अपनी गिरफ्त में ले लिया। इस मामले में बदमाश के हिरासत में होने का लाइव वीडियो भी बनाया गया, जो अब पुलिस द्वारा वायरल भी किया जा रहा है। कन्नौज से ब्यूरो चीफ ज्ञानेंद्र दुबे की रिपोर्ट। सन ऑफ पूरन कठेरिया, ये शेखपुर मड़ैया थाना बेवर जिला, थाना बेवर जिला मैनपुरी का रहने वाला है, और इनके ऊपर 25,000 का इनाम कन्नौज जनपद से घोषित था, और ये हमारे यहाँ दो लूट में वांछित था। इनको कल शाम को पुलिस मुठभेड़ के बाद जो है थाना सौरिक की टीम द्वारा इनको गिरफ्तार किया गया है।